हिमाचल प्रदेश की, जहां कुदरत का कहर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, हिमाचल के सोलन से खबर मिल रही है, जहां भारी आफत देखने को मिली है। भारी बारिश की वजह से दरअसल यहां भारी आफत देखने को मिल रही है। यहां पहाड़ जो है वो दरकने लगे हैं और तबाही की तस्वीरें सामने लगातार हिमाचल से आ रही हैं। हिमाचल के सोलन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह तबाही मची है उन तस्वीरों को देखने पहुंचे हैं। लोगों को हर संभव मदद का भरोसा यहां दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन लगातार हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरावनी हैं, भयावह हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर बोल्डर जो हैं वो नीचे आ रहे हैं और पहाड़ दरकने की वजह से घर जो है वो जमींदोज हो जा रहे हैं। वो तस्वीरें हमने देखी है, वो तस्वीरें इतनी डरावनी हैं क्योंकि किसी का आशियाना देखे किस तरीके से तिनकों की तरह, ताश की पत्तों की तरह बिखर जा रहा है। शांति में कई मकान गिर चुके हैं, कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं चट्टानों के खिसकने की वजह से। लोग इस वक्त दहशत में हैं। शांति में 100 से ज्यादा परिवार बताया जा रहा है कि बेघर हुए हैं। अब उन परिवारों के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी भी हिमाचल में स्थिति जो है ऐसी ही बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से जो है लगातार पहाड़ दरकने की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और लैंडस्लाइड की वजह से देखिए किस तरीके से तबाही मची हुई है। 100 लोग बताया जा रहा है कि बेघर हो चुके हैं शांति में। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे लोगों का हालचाल जानने के लिए, उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। लोग एक तरफ पलायन करते आपको नजर आ जाएंगे। ये 5 अलग अलग तस्वीर जो बता रही है कि सोलन पर किस तरीके से संकट इस वक्त बरप रहा है। पहाड़ एक तरफ लगातार दरकते नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हिमाचल से सामने आई है। कई घरों में बताया जा रहा है कि दरारें आ चुकी हैं, कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, विशालकाय भवन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं।